मैं यानी कि मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबों का हमारे शो में जिसका नाम है आपने क्या उखा रहा है। इस शो में जो आज के हमारे मेहमान हैं उन्होंने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने शो में ले लो, मुझे अपने शो में ले लो, लेकिन मैंने भी बोल दिया सीधे मुंह पे भाग से लिखे। लेकिन जब उन्होंने मेरे कनपट्टी पे अपना बंदूक रखा तो मैं वहां पिघल गया। तो चलिए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे मेहमान बच्चा जी का। बच्चा भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्या बोल रहा था? हम रिक्वेस्ट किए थे और क्या बोल रहे थे? भोसड़ी के। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, नाम नहीं बोले थे, माता रानी का कसम खा के बोलते हैं, हम नहीं बोले थे भैया, नहीं बोले थे। चलो चलो चालू करो, इंटरव्यू चालू करो। ठीक है भैया चालू करते हैं। तो भैया हमारे दर्शकों का मानना है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो जाहिल, गवार, गांडू। कितना गाली देगा भाई? भैया हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, हमारे दर्शक लोग ऐसा मानते हैं। उनका तो ये भी मानना है कि हमारे नेता लोग को MLA का फुल फॉर्म नहीं मालूम। बताइए कौन है लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग? अफवाह है सब, ये सब बात पे भरोसा मत किया करो तुम। हम नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते। तुम अच्छे एंकर हो, ये सब बात पे भरोसा मत किया करो। और देखो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आजकल का नेता लोग पढ़ा लिखा हो और नहीं भरोसा। बोलो मुझे कहां से डिग्री लेके आना है, कौन से कॉलेज का, कौन से यूनिवर्सिटी का लेके आता हूँ? नहीं भैया हमको डिग्री नहीं चाहिए भैया। दर्शक लोग ऐसा मानते, आप एक काम कीजिए, सीधा MLA का फुल फॉर्म बता दीजिए, मुंह बंद हो जाएगा सबका। बोल दीजिए तुम भी ना एंकर, MLA मतलब विधायक। यार मेरे ड्राइवर से पूछ लो, उसको तक को पता है। भैया MLA का मतलब नहीं, फुल फॉर्म बताना, MLA उसका फुल फॉर्म। MLA यार एंकर, हम हैं MP, क्या है MP, और तुम पूछ रहे हो MLA क्या है? चल क्या रहा है? सॉरी बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया भैया। अब MP का फुल फॉर्म बोल दीजिए भैया। MP मतलब मध्य प्रदेश। क्या हुआ, मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है आप? भैया हम बहुत कुछ गलत बोले हैं? एकदम नहीं, आप एकदम सही बोले, हम बहुत संतुष्ट हैं। हम तो अंधविश्वास करते हैं भैया आप पे, लेकिन हमको लगा क्या ना थोड़ा सा कि आप कहीं मणिपुर ना बोल दे, तो हम इसीलिए थोड़ा सा डर गए भैया, बस यही था। देखो तुमको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जी भैया, हम बिल्कुल नहीं। हम कौन है? हम ठहरे जनता के सेवक जी, जी और जनता से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है जी, जी, तो खुल के पूछो जी, खुल जी, के पूछो। जी भैया जी भैया डरना बिल्कुल नहीं जी भैया, नहीं डरेंगे। तो भैया हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको ये नेता बनने का ख्याल कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो बचपन से ही हमको लड़ने का बहुत शौक था। क्या बात है। और छोटपन में जैसा होता था कि गाली गलौज देके काम चल जाता था कि दत्तरी मार की। भैया दर्शक को गाली दे रहे हैं आप? हम गाली दे रहे हैं? अरे नहीं, अरे हम बता रहे थे कैसे। जी भैया हम गाली देते हैं? नहीं एकदम नहीं, आप कभी नहीं गाली दी। तो वही मतलब उसके बाद फिर आया कि अपना लाठी डंडा से काम चल जाता था। लेकिन क्या होता है ना एंकर कि आजकल जब तक 100 डंडा ना मारो किसी को सुनता ही नहीं है, लेढ़ा हो गया है एकदम, हेयर हो गया है एकदम, तो डंडा करना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद ही सबसे ऊब के हम आ गए चाकू पे। क्या बात है। लेकिन चाकू का क्या है ना, उसका अलग समस्या है। ये तो उसमें क्या होता है कि पहले जाओ उसके बाद पकड़ो फिर। हाँ भैया वो क्या है ना कि कपड़ा भी गंदा हो जाता है, खून का छींटा उठा पड़ गया तो कपड़ा गंदा। वो तो होता है भैया, वो होता है। बहुत परेशान है और पूरा परेशान होके अंत में हमको गन उठाना पड़ा, मजबूरी में उठाना पड़ा वो गन। हाँ भैया समझ रहे, वो तो अब ठीक है सब। हाँ भैया तो एकदम ठीक है सब। क्या बात है मजबूरी में आप गन उठाए, उसके बाद क्या हुआ भैया? होना क्या था, पूरा नाम हो गया इलाका में। क्या बात है। और उसके बाद लोग बोला मुझे, आप जैसा सम्मानित लोग बोला, आया बोला भैया क्या है कि आप नेता के लिए बिल्कुल फिट है। क्या बात है, ये बात करता भैया, ये बात है। तो फिर हम फिर अब खड़े हो गए नेता, खड़े हो गए। अच्छा ठीक है भैया। और हम 2 दिन तक खड़े रहे, और 2 दिन तक खड़े खड़े एक दिन हमको कोई आया बताया
किस रोड पे खड़े रहने से नेता नहीं बनता। नेता बनने के लिए आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। वो जरूरी। तो फिर क्या था, हम भरे नॉमिनेशन फॉर्म और उसके बाद तो जानते ही हैं आप हम भी गए आपको वोट देने के। अच्छा, लेकिन आपका आदमी बोला कि हम वोट दे दिए हैं। सही बोला। अच्छा, आप ही का नहीं, सबका वोट वही देता है। अच्छा, सबका। अब देखो क्या है कि हम हैं जनता के सेवक। जी जी। और सेवक होके हम जनता को भरी दोपहरी में, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में हम वोट देने के लिए बुलाएं, अच्छा लगता है? बहुत बुरा। ये सब वोट का चक्कर बंद होना चाहिए, एकदम बंद। बात क्या भैया, मतलब आप कितना सोचते हैं लोगों के बारे में, या कितना सोचते हैं आप लोगों के बारे में भैया। हमारे दर्शकगण जानना चाहते हैं कि आपके जो इलाका में, एरिया में पहले था दिन दहाड़े डकैती हो जाता था, अभी कैसा माहौल है? अब शाम को होता है, अभी शाम को है, फिर और रात में होगा, और फिर सुबह होगा। क्या बात है। फिर होते होते अगले दिन होगा, अल्टरनेटिव डे पे होगा। क्या बात है। और टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। हाँ भैया, ये तो है। इस तरह से तो मतलब पूरा क्राइम ही आप खत्म ही कर देंगे सोसाइटी से। नहीं, जरूर जरूर। अब क्या है ना एंकर, कि अब हम हो गए नेता। क्या बात। और हम नेता होके वही सब करें, अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है। आप घोटाला कीजिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें क्या है, प्रॉफिट बहुत है और रिस्क बहुत कम है। सारा नेता लोग कर रहे हैं। एकदम सही, एकदम सही बात बोले तुम। हमारा एक नेता मित्र है पटना, विशाखापट्टनम का। अच्छा, विशाखा। हाँ, विशाखा। अरे वो दूर का हमारा मित्र है, तुम नहीं मिले होगे। अच्छा, हम नहीं मिले। तो वो भी बोल रहा था बहुत फायदा है, बहुत ही फायदा है। अब नेक्स्ट वही है टारगेट, नेक्स्ट वही। भैया आखिरी सवाल था मेरा, ये जो किसान आंदोलन है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। टार्च दो ना। टार्च नहीं समझे? मजाक नहीं समझे? अरे हम नहीं समझे। क्या है कि किसान आंदोलन है बहुत बड़ा। हाँ, ये तो बहुत बड़का आंदोलन, बड़का आंदोलन। तो उस पर प्रकाश डालने के लिए तुम सही बोले, टार्च से तो प्रकाश नहीं है डाल सकते हैं, उसके लिए चाहिए वेफर लाइट। भैया प्रकाश डालने का मतलब, मेरा कहने का मतलब था कि उसके बारे में कुछ बोलिए, ऐसा था बोलना मेरा। तुम मुद्दा से बहुत भड़काते। नहीं, अगर ऐसा बोलना है तो बोलो ना डायरेक्ट किसान आंदोलन के बारे में बोलिए, मुद्दा से नहीं भड़काने। ठीक है, ठीक है भैया। तो किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन है बड़का आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है किसान आंदोलन। जी, और किसान आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि किसान क्या है। क्या क्या है? किसान क्या है? क्या किसान है? फार्मर, फार्मर। यस यस। और फार्मर को फार्मर रहने दो, वो तो रहने। और फार्मर फार्मर नहीं रहा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या? किसान। अच्छा, हाँ, किसान। किसान को किसानी करने दो, करने दो किसान। भैया भैया, खेती होता है, खेती। वही, किसान को किसानी करने दो, हमारा यही नारा है, किसान को किसानी करने दो। क्या बात है, मतलब कितना संक्षिप्त में आप पूरा वर्णन कर दिए भैया, क्या बात है। लेकिन भैया क्या फायदा, अब तो बिल वापस ले लिए ना मोदी जी। क्या बात क्या कर रहे हो, क्या बोले क्या? अब न्यूज नहीं देखिए आप? क्या बिल वापस ले लिए मोदी जी? बिल वापस हो गया? हाँ, तो बहुत गड़बड़ हुआ। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं मोदी जी? कर दिए ना। गिन चुन के हम जैसे नेता के पास, हम जैसे सारे नेताओं के पास गिन चुन के दो चार ही तो मुद्दा है। बस दो ही चार मुद्दा है। अब सरकार इतना आसानी से मुद्दा देती नहीं, दो चार का क्या है ना, मोदी को ना नेताई आता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम साफ है, नहीं आता है नेता। एक दो मुद्दा था, वो भी खत्म कर दिया। इतना आसानी से मुद्दा मिलता है? नहीं, बहुत। मेरा वहां गद्दा तकिया लगा हुआ है यार, ले आइए। पूरा कार्यक्रम लगा हुआ था, गया गया सब कुछ। नहीं, आपका पूरा मेरा मूड अब डिस्टर्ब हो गया, मूड ऑफ हो गया मेरा। मैं जा रहा हूँ, गाड़ी निकालो भाई, तुम निकालो, चलना है भैया। शांत शांत शांत, अब नहीं, अब जाते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है भैया, चले जाइएगा। थोड़ा जाते जाते एक दो संदेश अगर दर्शक को दे देते तो अच्छा रहता। अब इतना कह रहे हो तो राष्ट्र के नाम एक संदेश तो बनता ही है जी। तो
जैसा कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, भैया राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन है भैया? प्रथम राष्ट्रपति तो महात्मा गांधी कौन है भैया? वो राष्ट्रपिता है। तो जैसा कि हमारे प्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, सुनो, बोलो, अरे भैया बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो उसी तरह से हमेशा की तरह आप दर्शकगण, आप जनता लोग आंख कान नाक बंद करके सब सोते रहिए, सोसाइटी में कुछ भी हो आराम से चैन से सोते रहिए। क्या बात है, कितना मार्मिक संदेश आप दिए हैं, मतलब दिल खुश हो गया होगा। चलते भैया, भैया जाइए प्रणाम, ध्यान रखिए। एक बात हो, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत जागरूक पत्रकारिता कर रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकगण ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनके काम को, इनके वीडियो को, इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए पूरा, और नहीं तो जानते ही हैं हम कौन है। चल हाँ ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम भैया। अभी गया क्या, अभी गया? तो दर्शकगण जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ थे नेताजी, जिनकी सोच इतने बड़े, जो इतने ज्ञानी थे। भाई ये सब मैं डर के बोल रहा हूँ यार, लेकिन तुम्हें तो कोई डर नहीं है ना, तो अपना नेता सही चुनो, सही नेता। जब वोट देने जाओ तो डर के वोट मत दो, सही इंसान को सही तरीका से वोट दो, समझ गए ना? तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह, एक नए मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, वार्ता करेंगे उस पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ याद है ना, हाँ याद है कि नहीं? तो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए है कि हस्त मैथुन और नशा जितना हो सके उतना कम कीजिए। नमस्कार।